पार्षद भाजपा के चुने गए और पांच कांग्रेस के, भाजपा के दिग्गज चेहरे क्या कुछ कहते हैं इस चुनाव को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर एक्सप्रेस संदेश की डिटेल खबर में आप जानिए। भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका की अध्यक्षा बनने वाली, निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने वाली बसंती भाई यादव इस बार फिर से पार्षद पद पर निर्विरोध चुने गई हैं। आज सारे परिणाम आ चुके हैं। भाजपा के पक्ष में सेंधवा की नगर पालिका जा चुकी है। 19 पार्षद भाजपा के चुने गए हैं और सिर्फ 5 कांग्रेस के चुने गए हैं। जो निर्विरोध अध्यक्षा के लिए पिछली बार चुनी गई थी, इस बार जो पार्षद पद पर निर्विरोध चुनी गई हैं बसंती भाई यादव, वे हमारे बीच हैं। भाई आपका स्वागत है और आपको बधाई है। इधर देखिए किस तरह से आप काम करेंगे। हमने पहले भी 5 साल में अध्यक्ष रही तो मैं लोगों के मन में भाग गई हूँ और मैं उनका काम बहुत करा हूँ और भी मुझे अध्यक्ष चुन रहे हैं तो मैं बहुत अच्छा काम करूँगा और उनको मैं साथ देऊँगी। और हमारे मोदी जी का जितना भी है जो काम हम कर रहे हैं, मोदी जी की जीत है तो हमारी जीत है। और जितने भी अपने मकान करवाए हैं मोदी जी ने, हमारे सेंधवा में तो 3,000 मकान पक्के बन गए हैं और भी हमारी इच्छा है अब और करा देंगे हम। और सबका साथ और सबका विकास है और गरीबों के साथ हूँ मैं। गरीब मेरे यहाँ बहुत आते हैं, मैं उनकी हर काम में खड़ी रहती हूँ। उन वो आधी भी रात को आते हैं मेरे यहाँ तो मैं उनके साथ लगी रहती हूँ। इसीलिए मैं निर्विरोध जीती ही पार्षद और अब और आगे मेरी जीत होने वाली है। गरीबों के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना लेकर के भाई फिर से मैदान में उतरेंगे और निश्चित ही जैसे सेंधवा का पहले विकास हुआ है उससे बढ़ चढ़ कर विकास। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कैसे रही कैंडिडेटों की स्थिति, क्या रहा जीत हार का माथा बच्ची का दावा और भारतीय जनता पार्टी की क्या रही स्थिति, जानते हैं आंकड़ों के बाजीगर सुनील दिया से। सुनील जी क्या कहेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से चल रही थी कि हम 20 से ऊपर जीतेंगे और वही आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी ने करा था वो आंकड़े जनता ने हमारे सामने दिए। जनता ने विकास को वोट दिया है। जो हम लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका में परिषद रही है उसके बाद इस बार चौका लगा है वो विकास को देख के लगा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट थी, स्पष्ट बातें करी थी हमने, कोई लुभाने वादे नहीं किए, हमने विकास के वादे करके ये चुनाव को जीता है। दादा किस तरह से बधाई देंगे जीते हुए उम्मीदवारों को। पूरी भारतीय जनता पार्टी और परिषद को मेरी ओर से बधाई। जो 19 वार्ड में जो लोग जीते हैं उनको कितनी ऊर्जा भरना चाहेंगे, किस तरह से काम करें, क्या प्रेरणा देंगे। फुल काम करवाएंगे उनसे और फुल वार्ड में घुमाएंगे उनको, कोई दिक्कत। नगरीय निकाय के चुनाव परिणामों में यहाँ जगह जगह कमल खिला है। ऐसे ही कई वार्डों में जुझारू प्रत्याशी जो पार्षद पद के लिए खड़े हुए थे उन्हीं में से एक जो महिला भाजपा जिला अध्यक्ष भी है, लक्ष्मी जी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मी जी आपको जीत की बधाई हो। धन्यवाद। कितनी खुशी है आपको, क्या उत्साह रहा। बहुत खुशी की बात है कि ये चौथी बार नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है क्योंकि बीजेपी का काम ही, भारतीय जनता पार्टी का काम ही ये है कि सबका साथ सबका विकास। और आज की जनता ये जान चुकी है कि जो काम कर रहे हैं उन्हीं का साथ देना है, इसीलिए आज चौथी बार भी ये भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनने जा रही है। आपके वार्ड के काम करते करते शहर के लिए भी जो भी जिम्मेदारियां आगे आपको मिलती किस तरह से निर्वहन होगा और शहर के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे। सभी ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे इतने बड़े बहुमत से जिताया है तो मैं उनके विश्वास पर पूरी खरी उतरूंगी। और मेरा ही वार्ड नहीं, मैं 24 वार्ड में जहाँ भी काम रहेगा मैं सभी दूर ध्यान दूंगी। ये थे लक्ष्मी शर्मा जी जिन्होंने सबका साथ सबका विकास की एक तरफा जीत हासिल करने वाले कई पार्षद चुने गए, उसमें बड़ा और दिग्गज नाम है जो सेंधवा क्षेत्र में अपने नाम से जाना जाता है, मोहन दादा के रूप में एक चेहरा ऐसा है जो हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहता है। मोहन दादा पार्षद भी चुने गए, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहिए। धन्यवाद कि मेरी जीत नहीं पूरे वार्ड वासियों की जीत है। पूरे वार्ड ने मुझे प्रचंड मतों से विजय दिलाई और मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, इसलिए इस वार्ड को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार के रूप में आपको कोई और नई जिम्मेदारी मिलती है, शहर का विकास होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हो, संगठन जो भी जवाबदारी देगा उसको सहज स्वीकार कर सेंधवा के विकास में निरंतर प्रयास करता रहूंगा और मेरा मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सेंधवा शहर का विकास करना है। सेंधवा शहर के विकास की परिकल्पनाओं को लेने वाले मोहन दादा निश्चित ही शहर की साकार करने वाली योजनाओं को भी निश्चित लाकर शहर को विकास। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा और जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा और पिछली जो सरकार थी उसमें उपाध्यक्ष रहे छोटू चौधरी जो कि नाम से जाने जाते हैं, सेंधवा शहर में उनकी अलग पहचान है, ये फिर से इस बार पार्षद चुने गए, आपको बधाई स्वागत है आपका।
कैसे जीत को किस तरह से देखते हैं? जीत जनता जनार्दन की जीत है और जनता का प्रेम हमेशा 99 समय चुनाव लड़ते आ रहा हूँ, पांचवी बार चुनाव लड़ा हूँ और भरपूर जनता का सहयोग रहा है। मैं जब भी चुनाव जीता, 3 बार पार्टी की जमानत जब्त करवाई कांग्रेस पार्टी की और 2 बार भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध हुआ। आप निर्विरोध बने, इस बार आपने जनता ने आपको फिर से विश्वास आपके ऊपर जताया है, इतना भरोसा करने वाली जनता के लिए फिर क्या क्या कुछ करने की उमंग है? हमारा उमंग ये बोलता है कि सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, ये विकास कार्य पे हम पूरा फोकस डालते हैं ताकि हमारी जनता को पूरा लाभ मिल सके सरकार का, यही हमारी योजनाएं रहती है। अब उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे, अध्यक्ष के चुनाव होंगे, क्या किसी क्या रहेगी? जो संगठन दिशा निर्देश देगा, संगठन के निर्देश अनुसार काम होगा भारतीय जनता पार्टी। संगठन का चेहरा है और संगठन पर विश्वास रखते हैं, संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसे निभाने के लिए फिर से अशोक चौधरी जी, छोटू चौधरी जी तैयार।